एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। एकादशी व्रत साल में 24 बार आती है और प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना ही महत्व है। इसी प्रकार से पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण साल में 2 बार किया जाता है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और दूसरा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 15 अगस्त को पड़ रही है, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण संतान की कामना के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से जातक को संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जहां पर महिजीत नाम का एक राजा था। राजा होने के बाद भी उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। पुत्र की कामना के लिए राजा ने कई तप किए और कई उपायों को अपनाया, फिर भी उन्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर पुत्र कामना पर विचार करते हुए एक बार राजा महिजीत अपनी प्रजा के साथ वन की ओर गए और उन्होंने वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। तब वहां पर एक आश्रम के पास एक ऋषि से उन्होंने मुलाकात की, जहां पर ऋषि से उन्होंने पूछा कि राजा होने के बाद भी उन्हें पुत्र क्यों नहीं हो रहा। तब मुनि आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि राजा, आप पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और आपने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, जिसके कारण आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही आपको इस जन्म में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। वह बताते हैं कि एक बार पूर्व जन्म में आपने एक ब्याई हुई गाय को जलाशय से पानी पीते हुए हटा दिया था और उस दौरान राजा भी प्यासे थे, इसलिए गाय को पानी नहीं पीने देने के कारण आपको इस जन्म में निसंतान होना पड़ा है। फिर राजा के साथ आई प्रजा कहती है कि हमारे शास्त्रों में तो हर पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप हमें राजा के लिए कोई उपाय बताएं जिससे राजा के पापों का प्रायश्चित भी हो जाए और राजा को संतान की प्राप्ति भी हो जाए। फिर ऋषि उपाय बताते हुए कहते हैं कि आप आने वाली श्रावण मास की एकादशी के दिन व्रत का पारण करें, जिससे आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि के कहे अनुसार राजा एकादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं और व्रत का पारण करने से राजा के पापों का शमन हो जाता है और कुछ समय के बाद उन्हें एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने से जातक के पापों का शमन होता है और जिन लोगों की संतान प्राप्ति में अड़चने उत्पन्न हो रही है, उन्हें व्रत का पारण अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।